न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। यूपीएसटीएफ के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता, मुंबई में बैंक डकैती की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गोरखपुर के कैंट क्षेत्र में किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रीय अखंडता दिवस के अवसर पर कमिश्नर और डीएम ने किया सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण, कहा देश को एक सूत्र में पिरोने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है महत्वपूर्ण भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ में रवि किशन की अगुवाई में दौड़ा गोरखपुर। सांसद ने युवाओं से किया आह्वान, अपनाएं शाकाहार एवं हर रोज सुबह 1 घंटा दें शरीर को, कसरत से इंसान रहता है चुस्त और दुरुस्त। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने माल्यार्पण कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 144वीं जयंती पर हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन, डीएम व एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित थे सरदार पटेल। लौह पुरुष की जयंती पर पुलिस लाइन में एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई देश की एकता और अखंडता की शपथ, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी सलामी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंडलायुक्त ने कमिश्नरी कार्यालय परिसर में दिलवाया राष्ट्रीय एकता की शपथ, कमिश्नर ने कहा सुदृढ़ विकसित और सुंदर बनाना है भारतवर्ष को। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ, जमकर लोगों ने की खरीदारी, नगर आयुक्त एसपी ट्रैफिक और एसएसपी ने कहा सभी तैयारियां हैं पूरी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर कुलपति ने दिलाई एकता की शपथ एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रन फॉर यूनिटी रैली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन से निकाला गया मार्च पास्ट, एसएसपी ने कहा सरदार वल्लभ भाई के जीवन से ले प्रेरणा युवा। सदर सांसद ने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण, सांसद ने कहा सरदार पटेल की घूमती मूर्ति को जल करा दिया जाएगा ठीक। रेल यात्रियों को रेल सीटों के लिए जूझने से बचाने के तत्पर, पूर्वोत्तर रेलवे छठ पर्व पर चला रहा 27 जोड़ी विशेष ट्रेनें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने निकाली शोभा यात्रा, दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारित करने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित हुआ फिल्म संगीत की शास्त्रीयता विषय पर व्याख्यान, फिल्म व संगीत के विद्वान के एल पांडे की ने व्यक्त किया अपने विचार। एक देश एक विधान एक निशान के संकल्प को पूरा होने के अवसर पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा ने मनाई खुशी, मिठाई बांटकर एवं आतिशबाजी कर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने रेल कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की दिलाई शपथ। डीडीयू के सेंट्रल जोन डेलीगेसी द्वारा वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन, विजयी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। 28 दिसंबर को होगा पूर्वांचल आइकन अवार्ड का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे सम्मानित, फिल्म स्टार गोविंदा और अभिनेत्री अक्षरा करेंगी शिरकत। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच ने उन्हें माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि।